गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरु जी। तो हमने मॉडल नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 से। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश ने 1 रुपए 15 पैसे का अखबार प्रतिदिन मंगवाता है। देखो, प्रकाश 1 रुपया और 15 पैसे का अखबार प्रतिदिन मंगवाता है। वर्ष 1988 की फरवरी में उसने अखबार पर कितना धन खर्च किया? देखो, वर्ष 1988 है, वर्ष कौन सा है? 88 का है और महीना फरवरी का है। अब हमें यह देखना है कि 1988 है ये लीप वर्ष है या नहीं है, लीप वर्ष या आदिवर्ष है या नहीं है। तो इसको ज्ञात करने का एक तरीका था कि दिए गए वर्ष में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, दिए गए वर्ष में यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा और उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। और यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो लीप वर्ष नहीं है और फरवरी उसमें 28 दिन की होगी। तो हम इसमें 4 का भाग देके देख लेते हैं। देखो, 4 चौक 16, 16 4 चौक 16 कितनी बार? ये 4 बार गया, बचा कितना? 3। अगला अंक 8 38, 4 नाम 36, 4 नाम 36 कितने बचे? 2। अगला अंक 28, अगला अंक 2, तो ये हो गया 28, 4 संते 28। तो ये देखो, भाग पूरा पूरा गया हमारे पास में, कोई शेषफल नहीं बचा, शेषफल नहीं बचा तो इसका मतलब दिया गया वर्ष कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। दिया गया वर्ष कौन सा हो गया? लीप वर्ष हो गया। और लीप वर्ष है, ये क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में, लीप वर्ष में जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी, 29 दिन की होगी। तो ये कह रहा है कि वर्ष 1988 की फरवरी में उसने अखबार पर कितना धन खर्च किया। तो कितना धन खर्च किया? तो 1 रुपया 15 पैसे को 29 से गुणा कर देंगे। और 1 रुपया 15 पैसे को 29 से गुणा करने पर, 29 से गुणा करने पर हमारे पास में प्राप्त होगा 33 रुपया 35 पैसे और यही हमारा आंसर होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 33.35, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 12 और 16 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। तो देखो, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें इसका क्या ज्ञात करना होगा? लैसे ज्ञात करना होगा। तो 12 और 16 का लैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 का जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, अब नहीं जाएगा। तो अब इनको गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, ये हो गया इसका लेसन। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। तो जब भी हम लैसे ज्ञात करें और हमें प्रत्येक दशा में यदि 5 शेषफल बचने के लिए कह रहा है तो लैसे में 5 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर 8 और 5 13, 3 हासिल की 1 और ये 53, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला, 200 रुपए के मूल्य की एक वस्तु को 180 रुपए में बेचा गया तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो 200 रुपए है ये क्या हो जाएगा? 200 रुपए ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में? 200 रुपए। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 180 रुपए। तो हानि हुई, और हानि कितनी रुपए की हो गई? 20 रुपए की हो गई। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटावा क्रय मूल्य,
इंटू सो, जो करता है उसे काट देंगे। दो बिंदु से दो बिंदु, एक बिंदु से एक, दो एकम दो, दो एकम एक मिनट। 200 रुपए के मूल्य की एक वस्तु को 180 रुपए में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अरे यहां एक बिंदु ज्यादा हो गए, तो देखो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, और दो से ये 10, तो ये आ जाएगा 10% की हानि हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी। अगला, एक मजदूर को 15 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती है, यदि 10% मजदूरी प्रतिदिन बचाता है तो उसकी 6 दिन की बचत बताओ। देखो 15 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी है, यानी कि एक दिन का कितना रुपए कमाता है वो, एक दिन का कमाता है, एक दिन का कमाता है कितना रुपए, 15 रुपए। अब इसकी एक दिन की बचत कितनी हो जाएगी, एक दिन की बचत 10% मजदूरी प्रतिदिन बचाता है, यानी कि 15 का हमें क्या ज्ञात करना है, 10% ये बचाता है, यानी कि 1.5 रुपए रोजाना का बचा रहा है वो, तो उसकी 6 दिन की बचत बतानी है हमें, 6 दिन की, 6 दिन की बचत बतानी है। तो एक दिन की बचत को 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में 6 दिन की बचत आ जाएगी, और 6 से गुणा, 1.5 रुपए को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 रुपए। तो वो 6 दिन में कितना बचाएगा, 9 रुपए बचाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। देखो बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी तो हम क्या ज्ञात करेंगे, मैसे ज्ञात करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम क्या ज्ञात करेंगे, मैसे। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमें, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब यहाँ पर हमें मैसे ज्ञात करना है। तो देखो दी गई संख्या है हमारे पास में, एक तो 39 और एक है 84, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बच रहा है। देखो जब भी कभी हमें मैसे ज्ञात करना हो और प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचने की बात कर रहा है, तो दी गई संख्या में से 3 को घटा देंगे, इसमें से भी 3 को घटा देंगे, तो 84 में 3 जाएगा तो 81, और 39 में से 3 जाएगा तो 36। अब पहले हमें 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 का जाएगा 18, फिर 18 में फिर 2 का जाएगा 9, 9 में जाएगा 3 का 3, और 3 में 3 का 1 बार, और अब हो जाएगा 81 में, 81 में पहले जाएगा 3 का 27, फिर 3 का जाएगा 9 बार, और फिर 3 का जाएगा 3 बार, और फिर 3 का जाएगा 1 बार। देखो 36 का तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 81 का हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और मैसे में हमेशा जोड़े बनते हैं, तो एक तो 3 का बन गया, दूसरा भी 3 का बन गया, और नहीं बनेंगे, यानी कि इसका जो मैसे हो जाएगा वो जाएगा 3 गुणा 3, और 3 3 9, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, 1/3 भाग, भाग को किसमें बदलने गए, गुणा में, गुणा में बदलते ही ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो ये हो जाएगी 3/2 प्लस 2 एकम 2, 2 रेक 3, 3/2 2, जो कटेगा उसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 3/2 2। अब देखो हर अगर समान है,
तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 2, तो 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, 2 6 प्लस, हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट कॉल करते हैं पहले, तो 4 माइनस 2 में से एक गया तो कितना बचा, एक एक ब्रैकेट बंद, फिर 4 में से एक गया तो 3, ये 3, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, एक मछली टैंक 39 लीटर पानी से पूर्णतया भर जाता है, 5/7 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि टैंक से 1/5 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो इसे पूरी तरह भरने हेतु कितने लीटर पानी चाहिए। देखो कितना भरा हुआ है, 5/7 भाग इसमें भरा हुआ है, यानी कि पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, 39 लीटर का 5/7 भाग, 7 एकम 7, 7 7 39, 7 5 35, यानी कि टैंक में पानी कितना पानी भरा हुआ है, 35 लीटर पानी भरा हुआ है, यदि टैंक से 1/5 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो इसे पूरी तरह भरने हेतु कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो देखो कितना पानी निकाल रहे हैं, 1/5 लीटर पानी निकालने के बाद शेष पानी कितना बचेगा, 35 का कितना, 1/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 7 इसमें से घटाने हमें, यानी कि 35 माइनस 7, और 35 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 28 लीटर, यानी कि उसमें कितना पानी है, 28 लीटर है, और ये कह रहा है कि इसे पूरी तरह भरने हेतु कितने लीटर पानी चाहिए, तो पूरा भरने के लिए आवश्यक पानी, और आवश्यक पानी कितना हो जाएगा, 39 माइनस 28, तो कितना है, 21 लीटर पानी चाहिए, 21 लीटर पानी चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, सोमू ने एक परीक्षा में राम से 15 अंक अधिक पाए, राम से अधिक अंक पाए, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में सोमू से 10 अंक अधिक पाए, यदि उनके कुल प्राप्त अंक 400 है तो अनिल ने कितने अंक प्राप्त किए। देखो सोमू ने एक परीक्षा में राम से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, तो एक तो है राम, एक हो जाएगा सोमू, और एक हो जाएगा अनिल, तो हम राम का मान लेते हैं क्योंकि राम से 15 अंक अधिक प्राप्त किया है, तो राम का हो जाएगा अक्ष, तो सोमू का हो जाएगा अक्ष प्लस 15 हो जाएगा, और अनिल का उसी परीक्षा में सोमू से 10 अंक अधिक पाए हैं, किसने, अनिल ने, अनिल ने सोमू से 10 अंक अधिक पाए हैं, और इन सारों का, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 प्लस अक्ष प्लस अक्ष प्लस 15 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 400, 3x प्लस 40 बराबर 400, तो ये अक्ष ये बराबर के निशान से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -40 बराबर हो जाएगा 360, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 360/3, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 अंक, तो ये अनिल, अब बताना किसका है, हमें अनिल का बताना है, तो अनिल का हो जाएगा 120 प्लस 15 प्लस 10, तो टोटल हो जाएगा 145, ऑप्शन नंबर बी आज की।